अच्छा, जब हम पढ़ा नाइन्थ क्लास की केमिस्ट्री पढ़ा, नाइन्थ क्लास की केमिस्ट्री नई बुक चैप्टर कौन था 5, उसके पढ़े हम सॉलिड स्टेट। हम पढ़े सॉलिड स्टेट की प्रॉपर्टी पढ़ी, रिजिडिटी पढ़ लिया था, डेंसिटी पढ़ लिया था, मेल्टिंग पॉइंट पढ़ लिया था। अब हम टाइप्स ऑफ सॉलिड पढ़ रहे हैं। टाइप्स ऑफ सॉलिड, सॉलिड की टाइप्स कितनी किस्म की है। सॉलिड को क्लासीफाई किया गया है उनके मॉलिक्यूल्स के अरेंजमेंट की वजह से। सॉलिड के मॉलिक्यूल्स कह लो या एटम कह लो, उनके हिसाब से जो आपने क्लासीफाई किया है। बास सॉलिड जैसे हैं जिसमें ऑक्सीजन, जिसमें गैसेस भी इस्तेमाल होती हैं। बास ऐसे हैं जिसमें सिर्फ आपका मेटल या हार्ड जैसे सॉलिड सब्सटेंस इस्तेमाल होता है। तो इसी तरह जैसे मिसाल तौर पर सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ठीक है, उससे क्या गिलास वगैरह प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो अब सिलिकॉन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला SiO2, ऑक्सीजन आगे आगे मौजूद, इसलिए हम कहते हैं मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं। और वो बास सॉलिड ऐसे जैसे डायमंड एक सॉलिड है, ठीक है, कार्बन एक सॉलिड है, तो उसमें तो कोई आपका गैस वगैरह इस्तेमाल नहीं हो रही, तो वो प्योर सॉलिड में आ गया। सॉलिड को हम क्लासीफाई कर रहे हैं दो तरीके से, उनके मॉलिक्यूल्स के अरेंजमेंट के हिसाब से, उनके मॉलिक्यूल्स के अरेंजमेंट के हिसाब से की बुनियाद पर हमने दो तरीके से क्लासीफाई किया सॉलिड को। पहली कहलाती है, पहली सॉलिड की पहली टाइप कहलाती है क्रिस्टलाइन सॉलिड, दूसरी टाइप कहलाती है अमॉर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होती है, जैसा नाम से जाहिर है क्रिस्टल, हमें पता है ये डायमंड नज़र आ रहा है आपको, डायमंड क्रिस्टल्स के शेप में क्रिस्टल फॉर्म में होता है। ये सोडियम क्लोराइड आपको दिया गया, ये कौन सा नमक है, ब्राउन कलर का, पिंक सॉल्ट, सुना है पिंक सॉल्ट, कहाँ होता है पिंक सॉल्ट, है हमारे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में सबसे अच्छा नमक जो है ना, पूरी दुनिया में सबसे अच्छा नमक जिसे पिंक सॉल्ट कहते हैं वो पाकिस्तान में है। उसकी सारी जितनी भी काने, जितनी भी उसकी जो मिनरल्स, उसकी जो सब पाकिस्तान में है, पाकिस्तान से ही पिंक सॉल्ट। ये पिंक सॉल्ट यार, हम जो वाइट सॉल्ट खाते हैं ना, पिंक सॉल्ट हम लोग खाते नहीं, घरों में हमारे वाइट सॉल्ट आता है, ये होता है प्योर पिंक सॉल्ट, जिसका फ़ायदे बहुत ज़्यादा है इसको खाना। हम लोग जो वाइट सॉल्ट खाते हैं, फायदे तो उसके भी हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा टेस्ट के हिसाब से भी जो खाने में भी टेस्ट अच्छा लेकर आएगा और आपको ज़्यादा आपको विटामिन और एनर्जी ताकत देगा, ये पिंक सॉल्ट ये इस्तेमाल करें। जो वहाँ के उस जगह के रहने वाले लोग जो वही इस्तेमाल करते हैं पिंक सॉल्ट, ये पूरी दुनिया में सप्लाई होता है हमारा पिंक सॉल्ट, पाकिस्तान का पूरी दुनिया में सप्लाई होता है अच्छे अच्छे जगहों पर, क्योंकि इसके सबसे बड़ा जो काने, सबसे बड़ी बड़ी काने और सबसे बड़े जो रिजर्व्स है सब पाकिस्तान के अंदर ही है। तो ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है जो आपने तो क्रश कर दिया, तो इस शक्ल में आपको नज़र आ रहा है, ये क्रिस्टल की शक्ल में होता है, और इस डायमंड ये भी क्रिस्टल की शक्ल में। तो सॉलिड की दो टाइप्स हमने बताई उनके मॉलिक्यूल्स के अरेंजमेंट के हिसाब से, मॉलिक्यूल्स के अरेंजमेंट के हिसाब से की बुनियाद पर सॉलिड को दो टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है और एक होता है अमॉर्फस सॉलिड। अब ये डायग्राम आप देख रहे हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड अमॉर्फस सॉलिड की। क्रिस्टलाइन सॉलिड में देखें कोई हर मॉलिक्यूल या एटम के दरमियान गैप बिल्कुल नहीं, एकदम आपस में क्लोजली टाइट पैक्ड है, जबकि अमॉर्फस सॉलिड जो है जिनके मॉलिक्यूल के दरमियान कहीं पर गैप बिल्कुल नहीं, कम है कहीं पर गैप ज़्यादा, इस तरह की शक्ल कहलाती है अमॉर्फस सॉलिड। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है इनकी जो होता है ज्योमेट्री जो होती है थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री होती है, ठीक है ना, क्रिस्टलाइन सॉलिड की थ्री डायमेंशन समझते हो ना, वन डायमेंशन, टू डायमेंशन, थ्री डायमेंशन। जैसे ये कमरा है, इस कमरे के तीन डायमेंशन है, एक इसकी लेंथ, ठीक है, एक इसकी ब्रेथ, या यूज आपकी मर्जी इसको लेंथ ले लो, इसको बेसिकली लेंथ तो यहाँ से यहाँ तक है, वहाँ से यहाँ तक मेजर करो तो लेंथ हो जाएगी वन डायमेंशन, वहाँ से वहाँ तक मेजर करोगे ब्रेथ हो जाएगी या विड्थ हो जाएगी टू डायमेंशन, और यहाँ से ऊपर तक हाइट थर्ड डायमेंशन। तो किसी भी हमने थर्ड से कहते हैं थ्री डायमेंशन, लेंथ, ब्रेथ और हाइट, तीन डायमेंशन में जो डायमेंशनली, जो थ्री डायमेंशनली जो हमारे जो क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं उनकी ज्योमेट्री थ्री डायमेंशनल होती है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री होती है उनकी, और इनका पॉइंट, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट जो होता है, मेल्टिंग पॉइंट क्रिस्टलाइन सॉलिड के शार्प होता है, यानी फिक्स होता है, यानी कि जैसे क्रिस्टलाइन सॉलिड में आपने जैसे डायमंड लिया, ये डायमंड पीस, या नमक, या आपने सोडियम क्लोराइड लिया, नमक लिया जो हमारा पिंक सॉल्ट है, इसे कोई भी क्रिस्टल उठाओगे उसको कहीं से भी गर्म करोगे, वो ऐसा नहीं होगा एक साइड से गर्म करोगे तो वहाँ पर वो बस करो वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर पिघल रहा है, दूसरी साइड से वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जाकर पिघल रहा है, ऐसा नहीं होगा। किसी भी साइड से उसको रखोगे किसी गर्म सरफेस पर गर्म करने के लिए, उसका मेल्टिंग पॉइंट हर सतह से एक ही निकलेगा,
अगर पिंक सॉल्ट का मेल्टिंग पॉइंट मिसाल 200 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो उसके जितना बड़ा पिंक सॉल्ट का जितना बड़ा टुकड़ा लो या डायमंड का जितना बड़ा टुकड़ा लो, वो हर साइड से उसका सेम ही उसका मेल्टिंग पॉइंट निकलेगा, डिफरेंट एंगल डिफरेंट जो उसका मेल्टिंग पॉइंट नहीं निकलेगा, ठीक है। ये इनकी प्रॉपर्टी होती है कि शार्प, जिसे कहते हैं शार्प क्रिस्टल, जिसे कहते हैं शार्प मेल्टिंग पॉइंट। तो सोडियम क्लोराइड हमारा पिंक सॉल्ट और आपका डायमंड ये क्रिस्टलाइन सॉलिड की एग्जांपल है। शुगर भी क्रिस्टलाइन सॉलिड में आता है, लेकिन सबसे ज़्यादा अच्छे फॉर्म में हम कहते हैं कि ज़्यादा अच्छी एग्जांपल जो आपका सोडियम क्लोराइड, वो भी सोडियम क्लोराइड में भी पिंक सॉल्ट जो आपको नज़र आ रहा है जो क्रश किया हुआ है, और ये आपका डायमंड शुगर भी है, शुगर भी क्रिस्टलाइन सॉलिड में आता है। इन्होंने अभी दो एग्जांपल जो सब बहुत ज़्यादा कॉमन एग्जांपल जो है वो हमारी ये आती है। उसके बाद अब शुगर बेसिकली क्या चीज़ है, देखो शुगर क्या है, शुगर हम प्रोड्यूस करते हैं, शुगर ही कैसे नहीं आप ज़मीन खोदा अंदर शुगर निकला, ऐसा होता है ऐसा नहीं होता, शुगर तो हम प्रोड्यूस करते हैं ना, गन्ने से हम शुगर बनाते हैं, शुगर गन्ने फैक्ट्री में तैयार होता है, अब वो क्रिस्टल में शक्ल में तैयार होता है, लेकिन ये तो ऑलरेडी क्रिस्टल शक्ल में पाया जाता है ज़मीन में, इसकी कहने पाई जाती है डायमंड का क्रिस्टल फॉर्म में पाया जाता है, नेचुरली अगर क्रिस्टलाइन फॉर्म में कोई चीज़ पाई जाए तो हम उसको उसकी एग्जाम्पल ज़्यादा अच्छी ली जाती है, उसको ज़्यादा कंसिडर किया जाता है, और किसी चीज़ का प्रोड्यूस कर रहा है फिर वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में शक्ल का आ रहा है तो हम उसको ले तो सकते हैं, लेकिन ज़्यादा अच्छा तरीका होता है जो नेचुरली जो क्रिस्टलाइन फॉर्म में जो चीज़ पाई जाती है उसकी एग्जाम्पल ज़्यादा कंसिडर की जाती है, ठीक है। तो ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में तो हमारा पिंक सॉल्ट और हमारा जो है डायमंड या क्रिस्टलाइन सॉलिड है, उसके बाद आता है एमॉर्फस सॉलिड। एमॉर्फस सॉलिड क्या होता है, यानी ऐसा सॉलिड इनके मॉलिक्यूल जो है वो एक ही पैटर्न में अरेंज हम देखें, यहाँ पर क्रिस्टलाइन सॉलिड के मॉलिक्यूल एक पैटर्न में अरेंज हुए हैं ना पूरा, देखो एक खास पैटर्न में अरेंज हुए हैं, जबकि ये एमॉर्फस सॉलिड इसके मॉलिक्यूल देखो, मॉलिक्यूल में कहीं पर गैप ज़्यादा है, कहीं पर गैप बिल्कुल कम है, कहीं पर गैप ज़्यादा है, कहीं पर देख रहे हो, यानी इसे कहते हैं बे डॉल, यानी कोई पैटर्न ना होना, बगैर विदाउट पैटर्न है इसमें, रैंडम अरेंजमेंट कह लो, हाँ रैंडम अरेंजमेंट, मीनिंग मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट रैंडम होती है, यानी अब रैंडम अरेंजमेंट का मतलब ये नहीं मूव कर रहे होते, मूव क्या होता है, यानी कहीं स्पेस ज़्यादा होगा, कहीं स्पेस कहीं दो मॉलिक्यूल दरमियान स्पेस बहुत ज़्यादा है, कहीं दो मॉलिक्यूल कहीं तीन चार मॉलिक्यूल एक साथ बहुत ज़्यादा कुल उसको चिपके हुए, इस तरह की जो अरेंजमेंट अगर हो ना जैसे कहते हैं एमॉर्फस अरेंजमेंट या एमॉर्फस सॉलिड, ऐसे सॉलिड में भी होता है, सॉलिड में जैसे हाँ तो कहीं पर चपके होते हैं कहीं पर दूर होते हैं, उसकी ज्योमेट्री, उसकी ज्योमेट्री होती है, ज्योमेट्रिकल शेप की बात कर रहे हैं, उसकी स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, मॉलिक्यूल होते तो करीब करीब है, ये जो गैप आप दिखा रहा है उसकी आप ये नहीं समझे कोई कोई ये कोई लिक्विड है कि लिक्विड में जैसे गैस के मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल ज़्यादा होते हैं कि इनमें होता है कि अच्छा गैप फर्स्ट करो, अगर मैं इसको ये अगर पहली बार फर्स्ट करो मैं इसको लिक्विड सपोज कर दूँ फर्स्ट करो, तो लिक्विड में क्या होगा ये मॉलिक्यूल मूव करता हुआ इधर चला जाएगा, ये मॉलिक्यूल उधर चला जाएगा, लेकिन इसमें जो ये मॉलिक्यूल रहेगा यहीं पर ही, ये मूव नहीं करेगा, ये रहेगा यहीं पर ही कुछ भी, ये रहेगा यहीं पर, ये मूव नहीं करेगा। अगर ये स्ट्रक्चर अगर लिक्विड का है तो इसका ये वाला मॉलिक्यूल आप लिक्विड को जिस भी बर्तन में डालोगे वो उसी सांचे में चला जाता है, ठीक है, वो ये मॉलिक्यूल घूम कर वहाँ चला जाएगा, ये मॉलिक्यूल कहीं चला जाएगा, आगे पीछे मूव कर जाते हैं मॉलिक्यूल, सॉलिड के मॉलिक्यूल मूव नहीं करते, लेकिन एमॉर्फस सॉलिड जो होता है जिसे हम बेडोल कहते हैं, बेशकल कहते हैं, जो अरेंजमेंट होती है इन टाइप के सॉलिड्स में मॉलिक्यूल जो है इनकी जो ज्योमेट्रिकल पैटर्न नहीं होता बेसिकली, इनका देखो ज्योमेट्रिकल पैटर्न हो रहा है बिल्कुल तरतीब से सारे आपस में अरेंज हुआ है, बिल्कुल तरतीब से बिल्कुल पर्टिकुलर तरीके अरेंज हुआ है, जबकि एमॉर्फस सॉलिड में के ज्योमेट्रिकल पैटर्न नहीं रखते, उनके मॉलिक्यूल्स ज्योमेट्रिकल पैटर्न नहीं रखते, इस वजह से उनको एमॉर्फस सॉलिड कहते हैं, उनका मेल्टिंग पॉइंट भी शार्प नहीं होता, एमॉर्फस सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट भी शार्प नहीं होता, प्लास्टिक रबर और गिलास एग्जाम्पल, एमॉर्फस सॉलिड में हमारे पास जो एग्जाम्पल आती है वो आती है प्लास्टिक की, रबर की और गिलास की, शीशे की, ये एमॉर्फस सॉलिड में शुमार होता है, ठीक है, कहीं यानी इनका मेल्टिंग पॉइंट शार्प नहीं होता, कहीं से बहुत जल्दी पिघल जाएगा कहीं से बहुत देर में पिघलेगा, रबर हो गया, गिलास हो गया और प्लास्टिक हो गया, ये हमारा एमॉर्फस सॉलिड कहलाता है, इनके मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट पर्टिकुलर अरेंजमेंट नहीं होती बल्कि ये ज्योमेट्रिकल पैटर्न में अरेंज नहीं हुए होते, जबकि क्रिस्टलाइन सॉलिड में के मॉलिक्यूल्स ज्योमेट्रिकल पैटर्न में अरेंज हुए हुए होते हैं, ठीक है, यहाँ पर क्लोज कर रहा हूँ बस, एमॉर्फस सॉलिड क्रिस्टलाइन सॉलिड के दो हमने बस एग्जाम्पल देख ली, अच्छा ये एमॉर्फस सॉलिड के एग्जाम्पल में आप देख लिया गिलास होता है आपका, ये शीशा जिसे कहेंगे, ठीक है, रबर हो गया और हमारा जो है और क्या हो गया प्लास्टिक हो गया, ये एमॉर्फस सॉलिड भी शुमार होता है, ठीक है।